हाई एवरी वन एंड वेलकम टू एडू कैप्टन। सो यार आपकी बोर्ड बूस्टर सीरीज में आज बहुत प्यारी पोएम शुरू करने वाले हैं जिसका टाइटल है कीपिंग क्वाइट और इसके पोएट है पैब्लो नरूडा। ये नाम आपको याद रख लेना है, वन मार्क में क्वेश्चन आपका बन जाता है। इस पोएम के अंदर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, जितने भी पोएटिक डिवाइसेस हैं सारे ही करा दूंगा। वहीं अगर आपका एग्जाम 24 घंटे के अंदर है तो वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन दिया हुआ है वो जरूर करके जाना। अगर आपके पास 24 घंटे से ज्यादा है तो एडू कैप्टन की एप्लीकेशन पर आपको जाना है। फ्री कोर्स के अंदर एक क्लास 12th इंग्लिश की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर मैंने इस पोएम के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस के साथ अरेंज करके रख रखे हैं। वो क्वेश्चन आपको पढ़ के जरूर जाने, 95+ या 100 लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो आपके पढ़ने का प्रॉपर कर दिया है इंतजाम मेरे भाई, तो छोड़ दो बहाना और बजाओ गाना। एडू कैप्टन के साथ अपने सपने साकार करें, बोर्ड्स हो या सीयूईटी हम आपके साथ चलें। स्टेप बाय स्टेप हम आपको करें गाइड, टॉपर्स की गिनती में आप अपने नाम रहिए। मजा भी पढ़ाई भी, ये बोर्ड बूस्टर कोई वजह नहीं भाई से ना, नो तू कर तुम भी टॉपर, टॉप कर विद एडू कैप्टन है। ये मजा भी पढ़ाई भी, ये बोर्ड बूस्टर तुम भी टॉपर, टॉप कर विद एडू कैप्टन। पोएम की बात करते हैं यार, सो दिस पोएम इज ऑल अबाउट इंट्रोस्पेक्शन। मतलब यहाँ पे नरूडा साहब ने ना बहुत डीप लिखा है। थीम डिस्कस करता हूँ यार आपसे। नरूडा साहब ने ना एक बात पे बहुत जोर दिया है कि भाई अपने अंदर झांक के देखो, तुम क्या करना चाहते हो और एक्चुअल में तुम क्या कर रहे हो। नेचर से तुमने दिन रात की लड़ाइयाँ लड़ रखी है, आपस में तुम लड़ाई लड़ते हो, कभी किसी को कास्ट से दिक्कत है, कोई लैंग्वेज के बेस पर जो है डिफरेंसेस क्रिएट कर रहा है। वो कह रहा है इन सारी चीज़ों से बाहर आ जाओ और कुछ देर के लिए पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ो और अपने मन के अंदर झांको। ये जो इंट्रोस्पेक्शन उन्होंने कहा है ना, अगर आपके को थीम लिखनी हो ना भाई, ये लाइन जरूर लिख देना। नरूडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमन ह्यूमन बीइंग्स। पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको। कितनी डीप कहा है कि अंदर झांको और आपस में इक्वल कैसे हो सकते हो, ये पता लगा। पोएम रीड करता हूं मेरे भाई, एक एक लाइन प्रॉपर खून के अंदर आपके जाएगी, देखना। कहते हैं नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। यार देखो यहाँ पे उसने कहा है कि हम सारे 12 तक गिनेंगे और हम सारे बिल्कुल चुप हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, छोड़ देंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। यहाँ पे उन्होंने 12 तक ही गिनने को क्यों कहा? 12 एक ऐसा नंबर है जो कि कंप्लीट चीज़ों को दर्शाता है। देखो 12 महीने जब होते हैं तब जाके एक पूरा साल होता है, जब 12 पर वापस पूरी सुई आती तो एक घंटा पूरा होता है। इसलिए यहाँ पे जो नरूडा साहब है उन्होंने 12 नंबर यूज़ किया है। अब यहाँ पे जो नरूडा साहब है उन्होंने 12 बताया नहीं, वो 12 है क्या? अब वो 12 हो सकता है कुछ लोगों के लिए मंथ हो, कुछ लोगों के लिए आर्स हो। यहाँ पे जब पोएम की लास्ट लाइन में रीड करूँगा ना, नरूडा साहब ने बोला है कि अब मैं जा रहा हूँ, 12 तक गिनती गा के मैं जा रहा हूँ, तो उन्होंने आपके ऊपर छोड़ दिया है। अब वो कह रहा है कि 12 तक गिनती आप गाओ, तो इसका मतलब यह है कि वो जो 12 तक गिनती हो सकता है किसी एक के लिए वो 12 तक गिनती ही हो, किसी के लिए 12 घंटे और किसी के लिए 12 महीने हो, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो 12 तक गिनती गा रहा है ना, वो कह रहा है कि उस टाइम पे आपको आपके अंतर आत्मा में झांकने की बहुत बड़ी जरूरत है। आगे देखो क्या कहता है फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज। कहता है धरती पे पहली बार कोई लैंग्वेज हम बोलते ही नहीं है, बिल्कुल शांत हो जाएंगे। उन्होंने कोई लैंग्वेज ना बोलने के लिए क्यों कहा है आपसे? वो चाहते हैं कि हम सब इक्वल हो जाए, हम सब यूनाइट हो जाए। किस चीज़ से यूनाइट होंगे? अगर हम कुछ बोल ही नहीं रहे तो हम साइलेंस से यूनाइट होंगे यहाँ पर, ठीक है। देन उसके बाद आगे क्या कहते हैं, लेट्स स्टॉप फॉर वन सेकेंड एंड नॉट मूव आर आर्म सो मच। वो कह रहे हैं कि एक सेकेंड के लिए सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, अपने हाथ भी हम जो है बिल्कुल नहीं हिलाएंगे। आपने कुछ लोगों को देखा होगा अगर शांति बैठे तो पैर ही हिला रहे हैं, नाखून ही चबा रहे हैं, पैन का ढक्कन ही चबा रहे हैं। कह रहे हैं कि सारी चीज़ें छोड़ दो। अब यहाँ पे आर्म्स दो सेंस में यूज हुआ है, एक तो हाथ जो हमारी बॉडी है और दूसरा आपका वेपन। कहते जो तान के खड़े रहते हो ना मेरे भाई, वो भी छोड़ दो, बिल्कुल रिलैक्स कर दो अपनी बॉडी को। यहाँ पर आगे देखते हैं, कहते हैं कि इट वुड बी एन एग्जॉटिक मूवमेंट विदाउट रश विदाउट इंजन्स। वो कहते हैं कि ये इतना बढ़िया मूवमेंट होगा इस धरती पे, कोई भागम दौड़ी नहीं है, कोई रश नहीं है किसी भी तरीके का, कोई इंजन्स, कोई एडवांसमेंट की मशीन्स नहीं चल रही, सब चीज़ें बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट, शांत है एकदम बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है। कहता है वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। वो कह रहा है कि हम सारे साथ होंगे एक सडन स्ट्रेंजनेस के अंदर। अब यहाँ पे जो हमारी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है दैट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है यार,
आपका जब कॉन्सनेंट साउंड बार बार रिपीट होता है वहां पे एलिट्रेशन होता है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो वी विल, वी वी जो है बार बार रिपीट हो रहा है, दैट इज यहाँ पे एलिट्रेशन है। अब एलिट्रेशन से मुझे याद आया आगे आपको सी यू ई टी देना है, और सी यू ई टी के अंदर फिगर ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपसे। तो अगर आप सी यू टी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो एडू कैप्टन की आपको एप्लीकेशन कर लेनी है डाउनलोड, वहाँ पे हमारे कोर्सेज अवेलेबल है, आप जाके अपनी सीट बुक कर सकते हो और अपनी जर्नी को एडू कैप्टन के साथ सी यू ई टी का जो सफ़र है प्रॉपर हमारे साथ आप तय कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। ओहो इतनी डीप बात कही है ना उन्होंने। अब यहाँ पे अगर कोल्ड सी लिखा है ना तो आपके माइंड में क्या आएगा कि फिशरमैन जो ठंडे समुद्र के अंदर वेल को नहीं मारेगा, ये बात आएगी। लेकिन यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच यूज की है ना, दैट इज ट्रांसफर एफिटेट। ट्रांसफर एफिटेट क्या होता है? एफिटेट का मतलब होता है आपका एडजेक्टिव, ठीक है। अब यहाँ पे सी नाउन हो गया और कोल्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पे ठंडा सी नहीं है, यहाँ पे जो कोल्ड यूज हुआ है ना ये एक्चुअल में फिशरमैन के लिए यूज हुआ है। यहाँ पे कोल्ड का मतलब है निर्दयी, जो जो बहुत पावरफुल है। और यहाँ पे वेल को कैसा दिखाया गया है, जो कि जिसके पास ज्यादा पावर नहीं है वो वेल को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि फिशरमैन वेल को भी नहीं मारेगा, सारी चीजें शांत है। इसका मतलब वो पावरफुल, और जो चीज पावरफुल नहीं है उनको भी इक्वेट करना चाहता है, वो चाहता है कि सारी ही चीजें बराबर हो जाएंगी हमारी बिल्कुल। आगे कहता है कि एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड। वो कहता है कि वो इंसान जो नमक को उठाता है वो अपने हाथों को देखेगा कि उसने अपने हाथों के साथ क्या कर लिया। वो एक्चुअल में यहाँ पे बताना चाहता है कि हम जो इतनी मोनोटोनस लाइफ जीते हैं अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, हम अपनी बॉडी अपने ब्रेन इतना डैमेज कर चुके हैं कि वो 12 तक गिनती के अंदर अपनी उस डैमेज बॉडी को देखे, उस बॉडी पार्ट को देखे, हम ये रियलाइज करें कि कितना बर्बाद जो हम अपनी बॉडी को कर रहे हैं। आगे देखो क्या कहता है, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। वो इतनी डीप बात कही है ना यहाँ पे। वो कह रहा है ये जो लोग नेचर से लड़ाइयाँ कर रहे हैं ना, ग्रीन वॉर्स का मतलब क्या है? नेचर से लड़ाई। भाई पेड़ काट रहे किसके नाम पे? डेवलपमेंट के नाम पे, कि हम तो बहुत कुछ डेवलप कर रहे हैं। मतलब घूम फिर के देखोगे ना, नेचर को बर्बाद कर रहे हैं। वॉर्स विद फायर्स, बिल्कुल वेपन्स वाली फायर्स करने पे तुले हुए हैं। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, यार देखो जब कभी भी एक जंग होती है ना तो जंग में जीत होती है, लेकिन यहाँ पर हमारे नरूड़ा साहब कह रहे हैं कि ये एक ऐसी वॉर है जिसके अंदर किसी की जीत नहीं है। तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच हमारा आयरनी यूज हुआ है, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, ठीक है। एक तरफ वो जीत दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि जीत ऐसी कि जिसके अंदर सब मर गए। वो कह रहे हैं कि सब मरेंगे इसके अंदर, इस जीत के अंदर सब मरेंगे, अगर यही जीत के पीछे भागते रहे ना सब मरेंगे एक दिन, ठीक है। तो ये आयरनी है। कहता है वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट देयर एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। ओहो कहता है कि ये जंग लड़ लड़के जो हमारे कपड़ों पे धब्बे लगे हुए हैं ना, साफ कपड़े पहनते हैं यार, और अपने भाइयों के साथ ह्यूमैनिटी की बात करते, कुछ नहीं करेंगे, पेड़ की छांव में बैठ के प्रॉपर ह्यूमैनिटी की बात करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। बात आ रही समझ में? आगे देखो क्या कहते हैं, What I want should not be confused with totally inactivity। वो यहाँ पे कह रहा है कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको कन्फ्यूज कर लो कि भाई बिल्कुल ही टोटल इनएक्टिव हो जाओ। नहीं नहीं, वो कह रहा है कि मेरा ये मतलब नहीं है। लाइफ इज वट इट इज अबाउट। वो कह रहा है कि लाइफ जैसी है वैसी चलेगी। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा idiom यूज किया है। यहाँ पे नो ट्रक विद डेथ का मतलब है कि मेरा मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही डेथ की तरफ आ जाओ, बिल्कुल ही सारी चीज़ें रोक दो, ठीक है। यहाँ पे लाइफनेसनेस वो दिखा रहे हैं, और यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच जो हमारे यूज है दैट इज यूफेमिज्म। यूफेमिज्म क्या होता है कि जब कोई बहुत बहुत ख़राब चीज़ होती है वहाँ पे हम कोई माइल्ड वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर किसी को जॉब से निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बोलना चाहिए, फायर फ्रॉम जॉब ऐसे करके। बट जब फायर फ्रॉम जॉब कितना गंदा लग रहा है बोलते हुए, तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं, बिटवीन जॉब्स कहते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या यूज़ हुआ है, यूफेमिज्म यूज़ हुआ है। आगे देखो कहता है, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग। वो कह रहा है कि अगर हम सिंगल माइंड नहीं होते ना अपनी लाइफ को चलाने के लिए, सिंगल माइंडेड होने से क्या मतलब है यार, देखो हमारा एट लास्ट देखोगे तो कर क्या रहे हैं कि भाई हमें 12वीं क्लियर करनी है, ग्रेजुएशन करनी है, ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारा पैसा कमाना है, पैसा कमाने के बाद शादी करनी है, शादी करने के बाद ये घर लेना है, वो करना है, गाड़ी खरीदनी है। तो एट लास्ट हम क्या है, सिंगल माइंडेड लाइफ ही तो जी रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर हम बहुत सिंगल माइंडेड नहीं होते ना, तो आगे देखो,
एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग। अब यहां पे उन्होंने सॉल्यूशन दिया है कि अगर एक टाइम के लिए हम कुछ ना करें तो देखो, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अर्सन। ओ यहां पे ये कह रहा है कि एक टाइम के लिए अगर हम कुछ ना करें ना, तो ये जो साइलेंस है, ये साइलेंस किस चीज को तोड़ेगी? उस उदासी को तोड़ेगी। वो जो हम खुद को आज तक कभी समझ नहीं पाए ना, वो खुद को समझ पाएंगे। और ये जो एंड ऑफ थ्रेटिंग आर्सेल्फ विद डेथ, वो कह रहे हैं कि जो ये जो मौत से, आप मौत से डर डर के आप काम करते हो ना कि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, उसके बाद हम मर जाएंगे, इसी लाइफ के अंदर कर लो, कह रहे आप इस सब चीज़ों से बाहर आ जाओगे, इस सब चीज़ों को आपको सोचने का मौका मिलेगा। यार कितनी गहरी बात कही है, ये जो तीन चार लाइनें हैं ना, उन्होंने पूरी पोएम के अंदर आपको सब कुछ, इन्हीं तीन लाइनें के अंदर सब कुछ बता दिया कि ये जो साइलेंस है ना आपका, ये इंटरप्ट करेगा किसको? वो आप खुद को जो जान ही नहीं पाए ना, वो उसको इंटरप्ट करेगा और आप खुद को जान पाओगे। आगे देखो क्या कहते हैं, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। ओ हो, देखो यार यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, वो कह रहे हैं कि भाई धरती माता हमें सिखा सकती है कि जब चीजें बिल्कुल डेड एंड पे आ जाती है तो वहां पे भी फिर से लाइफ शुरू होती है। वो आपको धरती माता से सीखने के लिए कह रहे हैं कि भाई हमारी अर्थ हमें बताती है, वो भी पॉजेस लेती है कि ऐसा नहीं कि सारा दिन ही निकाल रखा है, दिन निकालने के लिए वो भी रात लेकर आती है, सर्दी लाने के लिए वो भी गर्मी लाती है, बहुत ज्यादा धूप होती है तो वो बारिश भी दिखाती है, तो हमें अर्थ से सीखना चाहिए। तो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है वो क्या है, परसोनिफिकेशन हमारा यूज हुआ है। परसोनिफिकेशन क्या होता है, जब हम नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग जो है दर्शाते हैं, तो वहां पे अब देखो अर्थ तो हमें पढ़ा नहीं सकती ना, बट यहाँ पे हमने फिर भी लिखा, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, अर्थ को परसोनिफाई किया है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, हमें अर्थ से सीखना चाहिए। आगे देखो, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, कह रहा है अब 12 तक गिनो और मैं चला जाऊंगा। वो 12 तक क्या है, वो आपके लिए 12 कुछ भी हो सकता है, 12 गिनती, 12 घंटे, 12 मिनट, 12 साल, वो कह रहा है कुछ भी हो सकता है, बस अपने अंदर झांको। तभी वो यहाँ पे कह रहा है आई विल गो, अपना मैसेज आगे पास ऑन करने के लिए मैं चला जाऊंगा, राइट। तो क्वेश्चन जो है, अगर आपका एक घंटे के अंदर एग्जाम है, इस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कर जाओ, पॉज करके आंसर करो, इसका सॉल्यूशन मैं आपको तुरंत दे रहा हूँ। आई होप आपने पॉज किया होगा। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। मैं आपको जाने से पहले एक बात बता देता हूँ यार, आप ना 12th के बाद क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हो, ठीक है। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ना चैनल पे नो योर करियर के एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहाँ पे हमने टॉप करियर्स को आपके लिए सजा के रख रखा है, उनके क्या क्या प्लेसमेंट्स हैं, क्या क्या आपको पढ़ने को मिलता है उन कोर्सेज के अंदर, वो सारी चीज़ हमने डिस्कस कर रखी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वो प्लेलिस्ट ज़रूर देख लीजिएगा। इसी के साथ डिस्कॉर्ड का सर्वर आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके जैसे जो है कनेक्टेड हैं, हमारे टॉपर्स गाइड कर रहे होते हैं, आप लोग आपस में बात कर रहे होते हो एक दूसरे से, आपको प्रिंसर यहाँ पे गाइड कर रहे होते हैं कि यार करियर के अंदर करना क्या है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास है आगे। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा कि एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी है। मिलता हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त, टिल देन बाय एंड टेक केयर।